कहा? नहीं नहीं आज आप बात भाइयों को बता दे, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है या मुझे गुस्सा आता है। हाजरा भी आ चुकी है और नादिया भी बैठी है। हाजरा आज क्या बना रहे हो? मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तमाम देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको जो है अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। माँ की, बहन की, बीवी की, बच्चों की, बेटियों की। करूँगा कि आज वाली इस वीडियो में ना मैं नंबर लगा देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ। जिसने भी मुझे सिलेंडर खोल चुका है, माशाल्लाह ये देखें, अभी मैं जा रहा हूँ गैस भरवाने के लिए। आप देख रहे होंगे मेरे मुंडे पे सिलेंडर है, माशाल्लाह जी ये देखें गैस जो है अभी हमारी हो रही है, वो भरवा ली है। अभी जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। ये आज जो है इसकी किचन इधर आ चुका है, उधर से उस जगह से ये थक चुकी है। तारीफ ही करता हूँ, रात को ख्वाब में भी आप आ जाती हैं, तारीफ करवाते करवाते सुबह मेरी आँख खोलती है। आमीन कह दो कह दो कह दो। सिलेंडर खोल चुका है माशाल्लाह ये देखें, क्योंकि गैस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी ले चलते हैं गैस भरवाने। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना है। तो फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, और दुआ करता हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज का व्लॉग जो है इस नेक दुआ के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आपने साथ जो है रहना है। अभी मैं जा रहा हूँ गैस भरवाने के लिए, आप देख रहे होंगे मेरे मुंडे पे सिलेंडर है। अभी चलते हैं गैस भरवाते हैं, गैस भरवाने के बाद फिर जो बाकी का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं गैस वाली दुकान पर पहुँचने ही वाला हूँ, तो गैस भरवा के आते हैं। आज हवा जो है अभी बंद हो चुकी है, गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और चल के उधर देखते हैं गैस वाला बैठा है भाई के नहीं बैठा दुकान पर। उधर से गैस, माशाल्लाह जी भाई तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम, वदियो गैस दे दियो जी। कितना? 2 किलो। क्या रेट है आज का? 270। 270 दो और दो चार 70, चलो 2 किलो तो कर दो। माशाल्लाह जी ये देखें गैस जो है अभी हमारी हो रही है। 2 किलो मैंने कहा भाई को ना ये मार के दे रहे, लेकिन ये कैमरे में फड़क रही है, उधर नहीं फड़क रहा है, ये मेरे कैमरे में ऐसे कर रही है। माशाल्लाह जी ये देखें जी, अभी ये फड़क नहीं रही है, वैसे ये कैमरे की वजह से चाहे पता नहीं क्या है, लेकिन 1.71-72 हो चुकी है, 2 किलो हमने करनी है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह गैस जो है वो भरवा ली है। अभी जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, और उधर चल के बाकी का व्लॉग भी इंशाल्लाह आज हम क्या रेसिपी बना रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो भी काम काज होगा इंशाल्लाह आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। और आपने वीडियो जो है वो बिल्कुल स्पिप नहीं करनी, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तो क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो उधर चल के घर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये सिलेंडर रख दिया है और लगा भी दिया है, आगे नादिया जाने और उसका काम जाने। हाँ जी, नादिया जाने और उसका काम जाने, क्योंकि नादिया को पता होता है ना, काम तो वही करती है। तो अभी अच्छा, ये आपको पता था गैस सिलेंडर का? हाँ जी मैंने आपको कहा था। आपने नहीं कहा कि भरवा के आना या नहीं आना है, आपने सिर्फ ये कहा है कि सिलेंडर ना हल्का हुआ पड़ा है, उसमें लगता है गैस नहीं है, ये आपने कहा है कि इसको खोल के ले जाओ भरवा के ले आओ, कहा है? बात सुनवा दी थी ना, मुझे पता था कि आप ले जाएंगे और भरवा कर वापस आ जाएंगे। अच्छा हाँ जी, ये तो नहीं कहा था ना कि खोल के ले जाओ? ये नहीं कहा था कि आप ना सिलेंडर खत्म हुआ पड़ा है, आप ले जाएं और भरवा के ले आए, ये नहीं कहा था मैंने। यही कहा था कि सिलेंडर मुझे लगता है कि खत्म हुआ पड़ा है। अच्छा
अभी भरवा के ले आया हूँ, आगे आपकी मर्जी है जैसे इस्तेमाल करें। इसको ऐसे खोल दें फ्री, ज़ाया कर दें, चाहे कोई काम लाएं लगाएं। ऐसे क्यों फ्री खोल दो, फायदा क्या आएगा मुझे फ्री खोलने में? और सहन का जी झाड़ू वगैरह जो है वो भी ओके हो रहा है, झाड़ू जो है मुस्फरा बेटी लगा रही है। फिर इधर लगाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी है ना रेत वाली, ये जो है ना उड़ जाती है। और इधर मुंशी साहब भी बैठे हैं, क्या हाल है जनाब? सर क्या हाल है, ठीक हो? फिर तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने चक्करों में पड़ा था, अब सुना है ठीक है? जबरदस्त, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तीन चार दिन हो गए मैं आया नहीं। नहीं, आप ये हर घंटे बाद आते हैं? नहीं यार, तीन चार दिन का झूठ क्यों बोल रहे हैं? रात भी इधर आप आए, सुबह पलास लेने के लिए भी आए हुए थे इधर। मैंने काम पे आया ना, ऐसे तो नहीं आया आके तुम्हारे साथ बैठ गया गपशप लगा ली, ऐसे तो नहीं आया। मैं काम पे आया ना, हमारा काम जो कल से परसों से स्टार्ट हुआ ना, मैं नहीं आया ना तुम्हारे पास। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं झूठ बोलता हूँ? झूठ क्यों बोल रहा? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? इधर चक्कर चक्कर लगाते रहते हैं, फिर कहते हैं झूठ बोल रहे हो। पलास लेने में आया, पलास लेकर चला गया, ये तुम्हारे पास बैठा, बाट कप लगाई, नहीं लगाई ना, तो झूठ क्यों बोल रहा है? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ यार। आप घंटे में आते हैं, आप आते हैं घंटे में आते हैं, चक्कर लग इधर से जा रहा है उधर, उधर आ रहा है, फिर कहता है तीन दिन हो गए मैं इधर आया नहीं। ये बात तो ना करो ना, तीन दिन हो गए इधर आया नहीं है। काम से आया और चला गया, काम से आया तो इंसान आता भी काम से है। नहीं, नहीं, आता तो है, यहाँ बैठता है, पानी वगैरह पीता है, कोई बोतल वगैरह पीता है। अच्छा, बात गपशप मारने लगाता है तो ऐसे वो कहते हैं कि आया था, आप बैठा हमारे साथ गपशप लगाई, वो बात होती है। ये बात नहीं होती कि आया कि कोई काम आया कि हो गया काम, बस थोड़ा चला गया, ऐसे नहीं आया। उसे नहीं कहते ये जो आया था, नहीं आया। अच्छा, हाँ जी, अब मैं आ गया हूँ, आपकी बोतल खतर हो तो मंगवा लें। बोतल तो पानी की, बोतल पानी वाली? नहीं नहीं, बोल क्या था मैं, पानी वाली तो पी के ना, वो दूसरी मंगवा लें, स्प्राइट। स्प्राइट वाली? स्प्राइट तो हम पीते नहीं है। कौन सी पीते हैं यार, तो मुझे अपने आप बता दो कौन सी पीते हैं। हम पीते हैं कोक वाली, तो ज्यादा पसंद कोक करते हैं, कोक वाली पीते हैं। बैन लग गया यार, कोक नहीं लेना। क्यों बैन लग गया? बैन लग गया, बस बैन लग गया, बस वही बात है जो राणा ने कह दिया सो कह दिया, अड़ गया वही गल कर रहा। वो जो टिकटॉक पे आता है ना एक हमारा पता नहीं वो भाई है, वो कहता है बस राणा ने जो कह दिया कह दिया, और आपने कह दिया बैन हो गया, फिर बैन हो गया, बैन हो गया। कोक से हट के जो मंगवाए, कोक से हट के और कोई बोतल आएगी नहीं, कोक ही आएगी। अगर पीनी है तो बात करें, नहीं पीनी है तब भी बात करें। फिर प्यारे बहन भैया, वो बैन किधर गया इनका, जो कोक के ऊपर बैन लग रहा था वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो सीधी गोल होती है, वो सीधी नहीं होती। सीधी कैसे होगी? किस रंग की होती है यार, मैं से बात करने दे, किस रंग की होती है? पीले रंग की होती है। नहीं, लाल होती है। पीले होती है यार, मैं कहता हूँ लाल होती है। लाल होती है? नहीं, पीली होती है। आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? जो भी होती है होती है। कहता हूँ इसे लाल जलेबी, चले चले दिखाए, दिखाता हूँ क्या लगा, लगेगा लगेगा लगेगा। ओ भाई, लाल भी होती है, पीली भी होती है, सफेद भी होती है, जो भी हो हर कलर में होती है। हाँ, उस कलर में बन जाती है, जैसे भी कलर की हो जलेबी, जिस कलर आप जो कलर पसंद करते हो वही कलर डाल दो तो जलेबी जो है। ये नहीं मानता, ये मानेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसने सिर्फ पीली जलेबी देखी है, उसने व्हाइट भी नहीं देखी है, रेड भी नहीं देखी है, उसने सिर्फ जो है वो ही देखी है। इस वजह से उसका भी कोई कसूर नहीं है भाई। आप मेरे से बात करो ना, जलेबी होती है जैसा। बात ये हुई थी कि ये कहता है पीली होती है जलेबी, मैं कहता हूँ लाल होती है। चलो जो भी होती है। फिर अभी जी बोतल लेनी है, बोतल ले आए, ले आएंगे, ले आएंगे, कौन सी बोतल ले आएंगे, जो चीज बोलेंगे। हाँ, जो बोलेंगे वही ले आए। कोक की बोतल ले आनी है, सवा दो लीटर, ठंडी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, ठंडी लेना। अगर उसके पास ठंडी ना हो तो फिर आगे
वो दूसरे से ले लेना या आगे वाले से ले लेना, जिसके पास ठंडी हो उससे ले लेना, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी फिर गर्म ना हो। इधर ठंडी ना मिले तो चौक पे चले जाना। नहीं नहीं चौक पे नहीं जाना, चौक पे नहीं जाना, चौक पे नहीं जाना, सफर काफी है और गर्मी काफी ज्यादा है। अभी मैं सिलेंडर भरवाने के लिए गया था, मुझे पता है कितना गर्मी है। अभी जी लगाया जा रहा है सहन के ऊपर पानी, ये देखे माशाल्लाह अभी पानी लगाया जा रहा है, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर अंदर ना ये खुश्क हो जाएगा और धूल मिट्टी जो है वो भी नहीं उड़ेगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त सहन की जो है ना सफाई नजर आएगी। माशाल्लाह जी बोतल जो है अभी आ चुकी है और नादिया कर रही है तकसीम जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पहले पहले किसको देना है? इसकी बस ये है कि बस जैसे समझ आती है ना, हमें जो मज़ा करती है हम वो जो है ना पीते रहते हैं। पहले मुंशी साहब को दो दो, दे दो। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, जिसने बोतल पीनी है बिस्मिल्लाह वेलकम, वो हमारे साथ आकर पी सकते हैं। हाँ जी, कितनी देर है काम काज को रेसिपी को? अभी जी ये देखे सामान वगैरह जो इकट्ठा कर रही हूँ, तो रेसिपी बनाते हैं। बनाए बनाए जल्दी, फिर बहन भाइयों के साथ शेयर भी करनी है। लेकर जा रही हूँ, आज ना हो वहाँ पर बैठूंगी। कहाँ? गेट के बाहर? गेट के पास बैठूंगी। गेट के बाहर बैठना है? नहीं नहीं, यहाँ पर जो है ना खुला माहौल है, यहीं पर बैठूंगी। अच्छा यहीं पर, वहाँ पर जगह सोड़ी है और दूसरा जो पंखा चल रहा है और हवा आएगी ना, तो इस वजह से चूल्हे को यहाँ पर रखेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज जो है इसकी किचन इधर आ चुका है, उधर से उस जगह से ये थक चुकी है, आज इसका किचन बैठेगा इधर इस माहौल में, क्योंकि वो कहती है उधर पंखा चलता है और पंखे की ना हवा जाती है, चूल्हे की ना आग नहीं जलती। अभी सारा सामान इधर ले आएगी, इधर इकट्ठा करेगी, फिर जो है दोबारा से इधर इसका किचन शुरू हो गया। क्योंकि आज क्यों इधर किचन उन्होंने शुरू किया हुआ है, उसकी वजह यह है कि छाँ आ गई है ना, सूरज जो है ना वो चला गया, अभी कमरों की और दीवारों की छाँ आ गई। किचन की टांगे है वो चलता फिरता रहता है, जिस जगह उसको कहूँ के आज उस जगह बैठना है आपने तो वहीं बैठ जाता है। अच्छा, जहाँ भी बोलती हैं कि किचन वहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता, चलता फिरता किचन हमारा चलता फिरता किचन जी। हाथ क्यों रही है फिर? हमारा चलता फिरता किचन है, किसी बहन भाई या भाई का है ऐसे चलता फिरता किचन, किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा जैसे हमारा है, क्योंकि हमारा जहाँ दिल करता है किचन को टोर देते हैं वहीं बैठ जाता है। माशाल्लाह जी कढ़ाई जो है ऊपर आ चुकी है, चेयर वगैरह भी नादिया ने लगा ली है। हाँ जी। और अभी हम आज रेसिपी भी आपको बता दें, आज हम बनाने वाले हैं अपना अरवी की रेसिपी। अरवी है ना? हाँ जी, आज अरवी की रेसिपी जो है हम बना रहे हैं और वो भी आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। घी हमारा ऐड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और बाकी जो है इंशाल्लाह जैसे भी रेसिपी बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी जो है हमारा फुल गरम हो चुका है, माशाल्लाह जी ये देखे कितना शोर कर रहा है हमारा मिसाला। घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका था, जैसे हमने मिसाले ऐड किए, कहाँ जा रही हैं? ये ना चम्मच नीचे गिर गया और मट्टी लग गई। चम्मच धोने? हाँ जी। चलो धो के आ जाए। मट्टी लग गई थी चम्मच को, मैंने कहा धो लो साफ कर लो। सही है, अभी दोबारा ये चेयर भी आपका वजन नहीं उठा रही। हाँ मोटी बहुत ज्यादा हो गई है। फिर भी अभी भी काफी बहन भाई कहती है कि नादिया ना हमें कमजोर नजर आ रही है, कमजोर नजर आ रही है, लेकिन वो चेयर देखें जहाँ पर ऊपर बैठती है वो जमीन में चली जाती है इसके पाँव चेयर के। ये मट्टी कच्ची है यार, इसके पाँव साफ बह रहे, नीचे तो जाएंगे मट्टी के। जब भी हम वीडियो ऑन करते आ जाता है दूध के पैसे है, दूध के पैसे है। पहले आपको याद नहीं होते हैं या बाद में याद नहीं होते हैं? टाइम भी आया था, अभी टाइम भी नहीं है, थोड़ी देर टाइम भी नहीं हुआ, 6:30 बजे जाता हूँ तो अभी देखे, कभी मगरब के बाद जो है ना दूध लेकर ये वापस आता आप है ना, वो दूसरा दूध लेकर आते हैं ना जो सुबह वो लेते हैं वो सही नहीं होता, फ्रिज में रखा होता है कभी लाइट होती है कभी नहीं होती, तो वैसे भी वो थोड़ा खराब हुआ पड़ा होता है, इधर ले आता है फिर सही नहीं होता, फिर स्मेल आती है
क्योंकि जो न्यू फ्रेश दूध लेकर ताज़ा दूध लेकर आते हैं उनमें से लिया करो। कल कहाँ ताज़ा था? अच्छा पूछ रहे हैं, पहले रात को हमने चाय बनाई उसमें समय ला रही थी जी। अजीब और काल नहीं परसों की मैं बात कर रहा हूँ, परसों वाले दिन जो आप लेकर आए, आप खुद कह रहे थे कि मम्मा आज ना ठंडा ठंडा दूध दिया उन्होंने, और वो जो है शाम को हमने जैसे चाय बना रही समय लाना स्टार्ट हो गई। हम शाम ये इस वजह इस सुबह चाय बनती है ना, इस वजह से ये टाइम से जाता है ना, वो पड़ा होता है जो वो दे देती है। नहीं थोड़ा लेट जाए तो ताज़ा जैसे ही दूध आता है वो ताज़ा लेकर आए ना। चलो इसको जी देते हैं पैसे, सुबह शाम को रख देना होता है ना, सुबह चाय हमने सुबह चाय बनानी होती है तो इसको पैसे देते हैं। ये लेके आएगा दूध, और तो कुछ नहीं लेना? नहीं और कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ दूध ही लेना है, अकेला दूध बस। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी हम मिर्ची डाल रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कम डालते हैं क्योंकि कम मिर्ची वाली जो है ना सब्जी सालन जो है बच्चे शौक से खाते हैं। रात मैंने घे में कम मिर्ची डाली थी ना, बहुत शौक से बच्चों ने खाया था, तो अभी भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। और इसके बाद बारी आती है हल्दी की, क्योंकि हल्दी जो है मेरी फेवरेट है, हल्दी तो मैं भूलती भी नहीं हूँ, हल्दी को हर सब्जी में मैं डाल देती हूँ। अभी जो है हल्दी एक चम्मच मैंने डाल दिया है, अब इस मसाले को अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ और फिर बाद में जो चीज़ भी ऐड करनी होगी वो आपको दिखाऊंगी। सही, हाँ जी माशाल्लाह जी, मसाला जो है अभी हमारा हो चुका है भुनाई अच्छी तरह से। अभी हम इसमें ऐड करते हैं जी अपनी अरबी, ऐसे अभी बिस्मिल्लाह करें, अरबी ऐड करने की तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसमें अरबी ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी अरबी जो है हमारी वो भी ऐड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसकी लुक आपको मैं चेक कराता हूँ कैसी लुक नज़र आ रही है, ये देखें सफ़ेद थी ये वाइट थी और उसके बाद अभी कैसी हो गई मसाले के अंदर जाके, बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है, आपसे ज़्यादा नहीं होगी? नहीं नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह शहजादियों की तरह, ये कौन सी बात है, अच्छी बात है, तारीफ कर रहे हैं, तारीफ ही करता हूँ, रात को ख्वाब में भी आप आ जाती हैं तारीफ करवाते करवाते, सुबह मेरी आँख खोलती है पूरी रात मैं आपकी तारीफ ही करता रहता हूँ। अच्छी बात है ना, मोहब्बत का तो यही पता होता है ना, पता है ऐसे ही चलता है कि मैं ख्वाब में आती हूँ कि नहीं आती, क्या पता अगर रात में आपको मुझसे मोहब्बत ना होती क्या पता आप ख्वाब में, तो क्या ऐसे भी मुझे याद नहीं करते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जोड़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, ये अल्लाह पाक के तरफ से होता है, अल्लाह पाक जो है जोड़ी सलामत रखे, आमीन कह दो साहब, आमीन आमीन कह दो कह दो कह दो क्योंकि ये ना हो कि हंस क्यों रही हो, मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक जो है ये जोड़ी हमारी सलामत रखे आमीन कह दो, आप हंस रही हैं, देखो इसके हालात अब चेक कर लें आप, यार आपकी बातें ऐसे होते हैं मुझे हंसी आ जाती है, क्या करो हंसी आ जाती है, मैं वो सच कहते हैं अगर तारीफ कर लें तो हंसी आ जाती है, तारीफ ना करें तो गुस्सा आ जाता है, फिर हम जाएं तो जाएं कहां, नहीं आज आप बात भाइयों को बता दें क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है या मुझे गुस्सा आता है हम सीरियस हो गुस्से यही बात बता दे, वो ही बात मैं कर रहा हूँ कि जोड़ी जो है ना वो सदा सलामत रहे ताकि सीरियस में अल्लाह पाक झगड़े से बचाए। हाँ जी क्योंकि प्यारे बहन भाइयों कभी भी हम घर में वैसे भी ऐसा होता है कि छोटा मोटा की झगड़ा हमारे घर में हो जाए तो ना मेरी हंसी रुकती है ना आपका इस वजह से ना मुझे आपके भाई की बात पे ना अभी भी हंसी आ रही है चलो जी ये तो हंसती रहेगी, इधर मैं अगर वीडियो ऑन रखूंगा तो ये 20 मिनट वीडियो ऑन रखूंगा ये तब 20 मिनट पूरे हंसती रहेगी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हंसती है, ये रोने वाला इसका नहीं तबीयत जो है वो तबीयत नहीं है, क्योंकि काफ़ी देखे हैं रोने लग जाती है मिनट मिनट में, लेकिन ये रोने तो लग जाती हूँ मैं भी, मेरी भी जैसे कि परेशान होती हूँ या कोई ऐसी नहीं वो एक बात वो एक अलग बात है, कोई परेशानी होती है या कोई ऐसा दिन आ जाता है जिसमें इंसान जो है थोड़ा वो टेंशन में आके थोड़ा हो जाता है, लेकिन ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे जो है ना नमक भी ऐड कर दिया इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भुनाई करेंगे जी, जैसे इसकी भुनाई ओके हो जाएगी हमारी रेसिपी
तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह जी, हाजरा भी आ चुकी है और नादिया भी बैठी है। हाजरा आज क्या बना रहे हो? अरवी, अरवी की रेसिपी। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, अरवी की रेसिपी हमारी रेडी होने वाली है। बस थोड़ी सी देर है, सिलेंडर जो है हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। थोड़ी देर में ये गल जाएगी, भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी, फिर हम उतार कर रख देंगे। ऐसे ना दिया? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। और एक बात जो है मैं करना चाहता हूँ तमाम बहन भाइयों से, जो हमारे प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, सपोर्ट करते हैं हमें, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तमाम देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको जो है अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, जो परेशान हाल हैं जिनकी औलाद नहीं है सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो माँ की, बहन की, बीवी की, बच्चों की, बेटियों की गालियाँ दे जाते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज वाली इस वीडियो में ना मैं नंबर लगा देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ। जिसने भी मुझे गाली देनी है ना, माँ की, बहन की, बेटी की, जिसकी भी गाली देनी है, वो आके मुझे व्हाट्सअप पर गाली दे, ताकि मुझे भी पता चल सके भी कोई कौन है गाली देने वाला। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज नंबर लगा दूँगा, आपने व्हाट्सअप पर आके मुझे जितनी मर्ज़ी है गाली दे। क्योंकि वो सच कहते हैं ना कि हम जो हैं तमाम देखने वालों की इज़्ज़त करते हैं, दिल से इज़्ज़त करते हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रही हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें माँ की, बहन की, बीवी की, बच्चों की गाली देकर चले जाते हैं। तो ये जो है मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ हुई है इस बात की कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। हम अपनी मेहनत करते हैं और बहन भाइयों को कहते हैं कि सपोर्ट करें। इसमें अगर हम कोई किसी को कोई गलत बात करते हैं, किसी को अगर हमारी बात गलत लगती है, तो उनके लिए भी हम माजरत करते हैं कि हमें अगर कोई बात किसी को हमारी बुरी लगे तो उसके लिए हम माजरत खाएं। लेकिन फिर भी जो है हमें माँ की, बहनों की, बच्चों की, सब की जो है ना गाली पड़ती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं नंबर लगा देता हूँ वीडियो में, जिसने भी मुझे गाली देनी है व्हाट्सएप पर आके मुझे वॉइस करें, कॉल करें, गाली दें माँ की, बहन की, जो भी गाली देनी है, ताकि उनका गुस्सा जो है ना वो ठंडा हो जाए अगर हमने कोई गलती कर लिया तो। बाकी अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वीडियो का भी यहीं पर मैं एंड कर देता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे फिर भी मैं माजरत खाऊँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय बाय।